2-hour online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2. Subject Computer, Chapter 5. Special key of the keyboard. आज के आमी अपना दर के पढ़ावो Chapter 5. Special key of the keyboard. Okay. A keyboard look like a typewriter which contain keys to fit information into the computer. पहले तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड किसके तरह एक लगता है? टाइपराइटर के तरह देखने में लगता है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे कीज होते हैं. उसी कीज के बारे में आज हम आपको पढ़ेंगे, ठीक है? अल्फाबेट, अल्फाबेटिक कीज. There are 26 अल्फाबेट कीज on the keyboard. और जो 26 अल्फ़ाबेट यानी ए टू जेड, ए बी सी डी का जो कीज़ होता है, ए बी सी डी कितना होता है? 26. उसे ही अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है. और कीबोर्ड में ठीक 26 अल्फ़ाबेट है. दिस कीज़ आर नॉट अरेंज्ड इन द प्रॉपर सीक्वेंसेस. और जो कीबोर्ड में जो ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक कीज़ है, वो एक जगह ए बी सी डी इस तरह से क्रम बाय क्रम नहीं है, वो आगे पीछे है. इधर Q है, इधर W है, इधर R है, तो इधर Y है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ये कीबोर्ड में होते हैं. वी यूज़ अल्फ़ाबेटिक कीज टू टाइप ए वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ. और जो अल्फ़ाबेटिक की होते हैं, उसको हम कब टाइप करते हैं? वर्ड में सेंटेंस बनाने के लिए या तो पैराग्राफ लिखने के लिए. ओके, नंबर एक की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 आर द नंबर एक कीज. और जो नंबर जो होते हैं, उसे नंबरिंग की कहा जाता है. द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड कंटेन द नंबरिंग की पैड कंप्रेसिंग कैलकुलेटर्स लाइक कीस. यू कैन राइट एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग की. और जो हमारे जो नंबरिंग की होते हैं, कीबोर्ड में राइट साइड में होते हैं, और इन नंबरिंग की का क्या काम होता है? नंबर लिखने के लिए, ठीक है? जब हम कोई भी कीबोर्ड में कोई भी नंबर लिखेंगे, तो हमको नंबर की का ही यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज. फंक्शन कीज. दिस कीज लेवलेड टू F1 टू F12 आर लोकेट ऑफ द टॉप इन द कंप्यूटर्स. और जो फंक्शन की होते हैं, वो F1 से लेके F12 तक होता है, और ये ठीक कीबोर्ड के एकदम ऊपर में होता है. यहाँ पे देखिए रेड लाइन जो यहाँ पे रेड बना हुआ है, वो क्या है? फंक्शन की, ठीक है? द फंक्शन की दे परफॉर्म डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर एंड दैट यू यूज. नाउ विल यू डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम. और फंक्शन की का क्या काम होता है? वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है जो हम लोग काम करते हैं. चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे. F1 वाइल वर्किंग इन द एप्लीकेशन प्रेसिंग दिस की विल बी ब्रिंग द एप्लीकेशन हेल्प मेनू. इफ देयर इज नो ओपन एप्लीकेशन F1 ओपन विंडोज हेल्प. जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इस F1 के द्वारा हम एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. F2 दिस की रिमेस ए सिलेक्टेड आइटम और ऑब्जेक्ट. और F2 का क्या क्या काम है? कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने यानी नाम लिखने के लिए, ठीक है? रीनेम्स. F3 प्रेसिंग दिस की विल बी डिस्प्ले द फाइंड फाइल्स विंडो. और F3 का जो होता है, जो हमारे विंडो के ऊपर जो फाइल होते हैं डिस्प्ले के ऊपर, उस फाइल को ढूंढने में, ठीक है? F4 वाइल यू वर्किंग इंटरनेट एक्सप्लोर एंड यू प्रेस दिस की द एड्रेस बार विल बी ओपन. इस तरह से F4 का भी एक काम हुआ. क्या काम हुआ? नेट के द्वारा जो एड्रेस हम लोग एड्रेस बार जो होते हैं, उसको ओपन करने के लिए. ओके, F5 दिस की रिफ्रेश द एक्टिव विंडो इन इंटरनेट एक्सप्लोर. F5 विल रिफ्रेश द वेब पेज. ओके, F6 व्हेन यू आर द MS Word प्रेस दिस की यू विल बी गो द नेक्स्ट पेन और फ्रेम. F6 का भी इस तरह से MS Word में, इसको जब हम इसको MS Word जब खोलते हैं, और तब हम लोग इस की को क्लिक करने से हम लोग का जो नेक्स्ट फ्रेम यानी नेक्स्ट फ्रेम रहेगा, उस पर हम चले जाएंगे, ठीक है? F10 दिस की एक्टिविटीज मेन्यू बार ऑप्शंस यूज
राइट एंड लेफ्ट एरोस टू सेलेक्ट मेन्यूज एंड डाउन एरोस द डिस्प्ले पुल डाउन मेन्यूज। और F4 का काम क्या हुआ, F4 का जो काम है वो मेन्यू बार में जो एक्टिविटीज जो ऑप्शन रहते हैं उसको क्लिक करने से वो राइट साइड में लेफ्ट राइट में जो एरो होते हैं वो, और जो डाउन अप डाउन में जो कीज होते हैं उनको हम लोग क्लिक करने से मेन्यू बार में खुल जाता है। ठीक है, F11 इन इंटरनेट एक्सप्लोर दिस विल बी एलो टू द टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड ऑफ द नॉर्मल व्यूइंग मोड। ओके, स्पेशल कीज कैप्स लॉक की मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ यू राइट इन स्मॉल लेटर समटाइम्स हाउएवर यू माइट नीड टू राइट ओनली कैपिटल लेटर इन सच इज द केस इट बिकॉज डिफिकल्ट टू प्रेस टू कीज टूगेदर ऑल टाइम दैट द शिफ्ट की एंड द कैरेक्टर की प्रेस द कैप्स लॉक की वंस यू टाइप द ऑल लेटर्स विल बी अपीयर्स इन कैपिटल। कैप्स लॉक की का जब क्या काम है, यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक की यानी जब हम लोग कीबोर्ड में कुछ भी लिखते हैं तो ज़्यादातर वो हमारे स्मॉल लेटर में यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम कभी उसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो बटन का यूज़ करते हैं जैसे शिफ्ट की और जो वर्ड लिखना होता है उनके साथ। तो बार बार शिफ्ट के साथ हम अगर क्लिक करेंगे, बार बार कीज को अगर टैप करते हैं तो मतलब बार बार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग को कैप्स लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है। कैप्स लॉक की जब हम ऑन करके रखेंगे, जब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो हमारा कैपिटल लेटर में ही लिखाएगा। ओके, इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन यू विल बी एबल टू राइट द स्मॉल लेटर। और अगर हमको फिर से स्मॉल लेटर लिखना है तो ठीक, हम लोग कैप्स लॉक जो की हम लोग ऑन किए थे उसको हम लोग ऑफ कर देंगे यानी बंद कर देंगे, तो हमारा फिर से स्मॉल लेटर में लिखाना शुरू हो जाएगा। ओके, इफ द कैप्स लॉक लाइट इज ऑन प्रेस द कैप्स लॉक की द टर्न इट ऑफ। इफ द कैप्स लॉक राइट इज ऑफ प्रेस द कैप्स लॉक की ऑन द टर्न इट। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने बताया जब हमको बड़ा लिखना है तो कैप्स लॉक का जो लॉक होता है वो उसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो उसके ऊपर लाइट जलने लगता है तो वो हमारा कैप्स लॉक चालू हो गया, और जब हमको नहीं करना तो हम लोग उसके लाइट को ऑफ कर देंगे। ओके, डिलीट की दिस की कैन बी डिलीट एनीथिंग यू हैव द टाइप रॉन्ग फॉर एग्जाम्पल एज यू हैव रिटन बुल इंस्टेड ऑफ बुक यूज द डिलीट की इज द इरेज द लास्ट कैरेक्टर बिफोर विच द कर्सर इज ब्लिंकिंग एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड बुक। डिलीट की का काम क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ टाइपिंग कर रहे हैं जैसे कि हमको बुक लिखना है, हम लोग बुल लिख दिए तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिलीट की इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कॉपी में अगर हम कुछ गलत लिखते हैं तो इरेजर से मिटाते हैं ना, इसी तरह डिलीट की काम भी यही होता है। अगर हम कोई गलती लिख देते हैं तो ब्लिंकिंग यानी जो ब्लिंकिंग लाइन होता है, इस तरह का जो एक लाइन होता है उस लाइन पे लाके हम बैक करते मतलब डिलीट की करेंगे तो वो हमारा जो इरेज जो गलत जो लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, और हम करेक्ट वर्ड फिर उसमें लिख सकते हैं। स्पेस बार की क्या होता है, जो सबसे लंबा वाला कीबोर्ड में होता है उसे स्पेस बार की कहा जाता है। दिस इज द स्पेस बार की, इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स टू वॉट एवर स्पेस इज नीडेड। और स्पेस बार की क्या होता है, ये स्पेस बार की है, ये स्पेस बार का की का काम एक ही होता है, जब हम कोई वर्ड लिख जैसे मैं अपना नाम लिखी और नाम के जब मेरा नाम हो गया हम लोग लिखना, जब हम अपना टाइटल लिखे सरनेम लिखेंगे तो बीच में हमको गैपिंग देना है ना, तो उस गैपिंग को हम कैसे देंगे, स्पेस कैसे देंगे, स्पेस बार से। स्पेस बार क्लिक करने से वो जो हमारा स्पेस होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। और स्पेस बार जो की होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। ठीक है, दिस की प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ द स्पेस डिपेंड अप ऑन हाउ मैनी टाइम्स यू हैव द प्रेस द की। और हमको जब स्पेस देना है तो हम सिर्फ इसी की के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस की के अलावा कोई दूसरा की से हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, ये हम आपको आज पार्ट 1 पढ़ाए, पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।